वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में। दोस्तों, ये वेरी इजी क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास ट्रिक्स पता हो तो। ईच एंड एवरी एग्ज़ाम में इसके बारे में एक या दो क्वेश्चन तो ज़रूर पूछते हैं हर एग्ज़ाम में। तो आज हम बात करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में। देखिए दोस्तों, टाइम, डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी दूरी हमने तय की किससे, स्पीड से, मतलब हमने क्या स्पीड से, और टाइम यानी कितनी स्पीड से हमने कितने टाइम में डिस्टेंस कवर किया। यह है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला है, ये याद रखिए। फर्स्ट हम बात करते हैं केस वन। केस वन में दोस्तों क्या बात करते हैं, सेम डायरेक्शन, कोई ट्रेन हो, बस हो, एनीथिंग एल्स, कोई ऑब्जेक्ट्स हो। व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, जब कोई ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल ट्रेन या बस, मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो इसका रिलेटिव स्पीड दोस्तों क्या होगा, एस वन माइनस एस टू। जैसे कि एक ट्रेन ए है, ट्रेन बी है, दोनों मूव कर रही हैं सेम डायरेक्शन में, एक की स्पीड एस है, एक की स्पीड एस टू है, तो रिलेटिव स्पीड दोस्तों क्या होगी इसकी, एस वन माइनस एस टू। इसी तरीके दोस्तों केस टू में अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन फेस टू फेस, बैक टू बैक। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट उसके सामने मूव कर रहा है, इसको हम बोलेंगे फेस टू फेस। सेकंड थिंग, एक ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन, तो इसको हम बोलेंगे बैक टू बैक। जैसे कि ये ट्रेन, दो आपस में सेम मूव कर रही हो, ट्रेन स्प्रेड बैक टू बैक मूव कर रही है, तो इसका रिलेटिव स्पीड दोस्तों क्या होगा, एस वन प्लस एस टू। इसमें हम दोनों की स्पीड को हम क्या करेंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे। एक क्वार्टर के बारे में हम बात करते हैं, स्पीड इक्वल टू टोटल लेंथ अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, लेंथ टोटल लेंथ, जितनी भी लेंथ क्वेश्चन में पूछा जाए। सेकंड थिंग टाइम, टाइम सेकंड में दे रखा है, तो दोस्तों ये होने के बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, इनटू 18/5, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों हम बात कर, दोस्तों आप सोच रहे होंगे 18/5 कहाँ से आया। दोस्तों 18/5 का मतलब ये है कि 60 इंटू 60, मतलब एक घंटे में कितने मिनट, एक घंटे को और एक मिनट कितने सेकंड होते हैं, 60 अपॉन में 5, इसका मतलब दोस्तों क्या है, 1000 किलोमीटर। अभी हमने इसको सिंपलीफाई कर दिया है, दिस दो पंचे दस, दो तीन छः, 6 × 18/5, इसलिए दोस्तों हमने इसको यहाँ पे 18/5 लिखा है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि ए ट्रेन इज 240 मीटर लॉन्ग, क्रॉस अ पोल इन 10 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब दोस्तों एक बात और ध्यान रखिए, एक ट्रेन जब किसी चीज़ को क्रॉस करेगी, सपोज वो पोल है, वो ट्री है, वो मैन है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका मतलब दोस्तों एक ही चीज़ है। अभी इसके अंदर दोस्तों क्या बोलता है, ये क्या बोलते, क्वेश्चन ट्रिक था दोस्तों स्पीड, और हम यहाँ पे क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, तो यहाँ पर एक्स हो गया। सेकंड टोटल लेंथ, टोटल लेंथ दोस्तों कितने है इसमें, 240 मीटर अपॉन में टाइम, टाइम आपका 10 सेकंड में दे रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी दोस्तों इसको हमने सिंपल, अभी इसमें हम दोस्तों 18/5 क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें क्वेश्चन जो है मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, किलोमीटर पर आर में नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर किलोमीटर पर आर के लिए ही हमने यहाँ पर 18/5 लगाया, 18/5 लगाया था, यहाँ पर मीटर पर सेकंड में ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसके रिलेटेड हम यहाँ पर 18/5 नहीं लगाएंगे। सिंपलीफाई कर लिया हमने, तो एक्स इक्वल टू 24 मीटर पर सेकंड, तो कितना इजी है, ये हमारा बी ऑप्शन, ये क्वेश्चन हमारा पहले एग्जाम में पूछा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, ए ट्रेन रन एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ मच डिस्टेंस कवर इन 3 मिनट। दोस्तों तो स्पीड इसमें इसने दे रखी है, स्पीड इक्वल टू 36 एंड टोटल डिस्टेंस, कितना टोटल डिस्टेंस दोस्तों इसके अंदर हमें निकालना है, तो हमने उसको x मान लिया। सेकंड थिंग टाइम, टाइम इसने 3 मिनट में दिया है, और हम टाइम को सेकंड में, हमें यहाँ पे लिखा हमने ट्रिक के अंदर सेकंड हमें चाहिए, तो हमने क्या किया दोस्तों, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3 मिनट में 3 × 60 180 सेकंड, तो
यहाँ पर हमने दोस्तों 180 लिख दिया, इनटू में हमने क्या था दोस्तों 18/5। अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इधर जाएगा ये दोनों और उसके नीचे आ जाएगा, तो क्या दोस्तों x इक्वल टू ये दोनों इधर जाएंगे, तो 36 इंटू 180 इंटू 5 अपॉन में 18। ये दोस्तों हम क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको हम। सिंप्लीफाई किया हमने 10, अब इसको हमने मल्टीप्लाई दोनों को किया तो उससे क्या आ जाएगा 1800 मीटर। ये ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या पूछता है, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 120 मीटर एंड 80 मीटर्स आर रनिंग इन पैरेलल लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आर एंड 55 किलोमीटर पर आर रेस्पेक्टिवली, इन व्हाट टाइम दे विल पास ईच अदर। दोस्तों ये क्या बोल रहा है, दोस्तों टू ट्रेन्स अब पैरेलल लाइंस इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि दोस्तों क्या बोल रहा है वो, अपोजिट डायरेक्शन। तो दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है दोस्तों, स्पीड दोनों की प्लस होती है, डिस्टेंस दोनों के प्लस होते हैं। तो दोस्तों आइए हम सॉल्व करते हैं, टोटल स्पीड, स्पीड टोटल कितनी हो दोस्तों इनकी, 35 प्लस S1 प्लस S2 S इक्वल टू 35 प्लस में 55, ये दोस्तों हमारी हो गई 90 किलोमीटर पर आ, और ये स्पीड हो गई, और डिस्टेंस दोस्तों D1 प्लस D2 120 प्लस में 80 दोस्तों ये हो गई 200 मीटर, ये डिस्टेंस हो गई टोटल डिस्टेंस। तो स्पीड टोटल स्पीड दोस्तों कितनी हो गई 90, जैसा जैसा कि फॉर्मूला था। टोटल डिस्टेंस की दोस्तों कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया 200 यानी D1 प्लस D2 सॉरी अपॉन में टाइम, हमको टाइम निकालना है, टाइम हमने एक्स मान लिया और इन टू हमने क्या था दोस्तों 18/5, वही दोस्तों सेम हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये ऊपर जाएगा एक्स और ये नीचे आ जाएगा, 200 इंटू 18 अपॉन 90 इंटू 5, ये दोस्तों हमने सिंप्लीफाई किया, 9 × 18 5 से किया 4, दोस्तों x इक्वल टू में 8 सेकंड में 80 सेकंड, ये हमारा ऑप्शन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है, ए ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग क्रॉस अ ब्रिज इन 30 सेकंड विथ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आर फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। दोस्तों लेंथ ऑफ द ब्रिज पूछ रहा है, दोस्तों क्या देखेंगे हम, टोटल लेंथ टोटल स्पीड 45 किलोमीटर पर आर, टोटल डिस्टेंस ब्रिज की लेंथ हमने एक्स मान लिया प्लस में 130 ये ट्रेन की टोटल डिस्टेंस हो गया अपॉन में टाइम दोस्तों क्या 30 सेकेंड इंटू में 18/5। अब दोस्तों हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो दोनों एक टर्म हो गया, इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, इसको दोस्तों हमने एक साथ रखा, अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो गया दोस्तों, एक्स प्लस 130 एक टर्म है, अभी ये 45 इंटू 30 इंटू 5 ये दोनों टर्म इसमें आ गए इंटू में, और ये इसके नीचे आ जाएगा अपॉन में 18। अभी हमने सॉल्व कर दिया, सिंपलीफाई 9 × 18 9 × 5 = 45 2 से इसको किया 15, अभी हमने दोस्तों क्या किया 5 × 5 = 25 इंटू 15 एक्स प्लस 130 इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों कितना हो गया 375 एक्स प्लस 130 एक्स यहीं पर रहा 130 टर्म उधर गया तो 375 माइनस 130 दोस्तों कितना हो गया 245 x इक्वल टू मीटर। दोस्तों ब्रिज की लेंथ हो गई 245 मीटर। दोस्तों इसी तरीके से बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, अगर हम आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चंस इसके नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे दिखाएंगे आपको हम सॉल्व करेंगे, और आपको कोई प्रॉब्लम हो कोई कुछ हो, आपको वीडियो कैसा लगा तो आप हमें कमेंट करिए, लाइक करिए,
शेयर करिए ताकि हमारे और भी दोस्तों को हेल्प हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।